नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों के समीप बसे गांवों में आदिवासी समाज अपनी सांस्कृतिक विरासतों को आज भी संजो कर रखने के लिए पहचाना जाता है। इस क्षेत्र के आदिवासी समाज अपने अलग अलग अंदाज में त्योहारों को मनाते हैं, जबकि इस बार कुछ अलग अंदाज में यहाँ के आदिवासी समाज दीपावली मना रहे हैं। यहाँ के आदिवासी 5 दिनों तक दीपावली अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा दीपावली पर भी दिखा है। परंपरागत नृत्य संगीत पर थिरकते आदिवासी धन की देवी लक्ष्मी की पूजा किए। इन लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में पहली बार दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया था। वे दीपोत्सव पर परंपरागत झूमर और झमटा नृत्य का आयोजन भी करते हैं। इस बार भी आदिवासी समुदाय प्रकाश के त्योहार को लोकगीत संगीत के साथ आयोजन किया, जबकि अधिकांश गांवों में रंगोली का भी निर्माण किया गया था। सुंदर आकृतियों के बीच दीपों के जगमग प्रकाश की सुंदरता देखते ही बनती थी। आज मनेगा सोहराई। यहाँ के आदिवासी लोगों में एक परंपरा है कि दीपावली के अगले दिन सोहराई बनाया जाता है। सोहराई यानी अगले दिन सबकी भोज एक साथ होती है। यहाँ के आदिवासी बच्चे से लेकर बूढ़े तक दीपावली के अगले दिन एक भोज का आयोजन करते हैं। इस भोज में यथाशक्ति सब किसी का सहयोग भी रहता है। भोज में बच्चे से लेकर बूढ़े तक और महिलाओं की सहभागिता सम्मिलित रहती है। सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। दीपावली पर झूमे आदिवासी महिला और पुरुष। थारू और उराव समुदाय के जनजाति दीपावली के त्यौहार को बड़े ही धूमधाम और परंपरागत ढंग से मनाते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि प्रकाश पर्व के शुरुआत में रंग बिरंगे रंगों से रंगोली का निर्माण करते हैं। यहाँ के आदिवासी समाज में त्यौहार मनाने का एक अलग ही अंदाज है, जो आज भी बिहार में थरुवट की पहचान को अपने आप में संजोए हुए है।